हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसके प्रॉपर्टी चैनल। और मेरा नाम है सुशील मिश्रा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और काफी पसंद किया मेरे वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आगे एक और नया वीडियो लेके, और जो आज जो हम बात करेंगे वह है जांगिड इंद्रियानी प्रोजेक्ट के बारे में। व्यूअर्स, पिछला वीडियो आपने देखा, टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको दिखाया ये प्रोजेक्ट के बारे में। सो वही प्रोजेक्ट में आपको पूरा ब्रीफिंग करेंगे हम यहाँ पे और देखेंगे इसके सैंपल फ्लैट्स। बस बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, वह है जांगिड इंद्रियानी। ये आपका लोकेशन जो है वो सिल्वर पार्क लोकेशन पे बन रहा है ये प्रॉपर्टी, और बिल्डर जो है वो जांगिड बिल्डर। इनके काफी प्रोजेक्ट्स बने हुए मीरा रोड में, मीरा रोड के बाहर। सो काफी रेप्यूटेड बिल्डर है, उनका ये प्रोजेक्ट है जांगिड इंद्रियानी को। व्यूअर्स, ये जो जांगिड इंद्रियानी है, यहाँ पे आपको मिलता है सबसे बड़ा कार्पेट एरिया। आपको मैं दिखाने वाला हूँ 2 BHK और 3 BHK के हम सैंपल फ्लैट्स देखेंगे। बात करते हैं लोकेशन के बारे में, सिल्वर पार्क लोकेशन में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है जांगिड इंद्रियानी, जो कि स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है। बाकी जो बेसिक एमिनिटीज है, जैसे कि आपका स्कूल, मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल्स, ये सारी जो चीजें हैं आपको नियर बाय लोकेशन में मिल जाती है। काफी डेवलप एरिया है ये सिल्वर पार्क एरिया। और जांगिड इंद्रियानी जो है वो 22 माले की बिल्डिंग बन रही है, और ऑलमोस्ट इसका 7th स्लैब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और पोजिशन डेट जो बिल्डर प्रॉमिस कर रहे हैं वो है मार्च 24 में। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी बड़े फ्लैट बना रहे हैं यहाँ पे। काफी बड़े कार्पेट के साथ में आपको मिलता है प्रोजेक्ट इंद्रियानी, और काफी अच्छी एमिनिटीज भी आ रही है बिल्डिंग के अंदर में, जैसे कि आपको किड्स प्ले एरिया है, लाइब्रेरी है, देन बैंक्वेट हॉल बना के दे रहे हैं। यहाँ पे आपको 4 माले का अलग से पार्किंग बना के देंगे ये बिल्डर, तो पार्किंग का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये बिल्डिंग में। तो इस बात करते हैं साइजेस के बारे में, यहाँ पे आपको 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स मिलते हैं। 2 BHK के 2 वेराइटीज अवेलेबल है ये प्रॉपर्टी में। पहला जो साइज आपको मिलता है वो है 734 स्क्वायर फीट का है, एंड दूसरा जो साइज है आपका 762 स्क्वायर फीट का आपको मिलता है कार्पेट एरिया 2 BHK में। यहाँ पे हम देखेंगे इनके सैंपल फ्लैट्स भी। मैं 2 पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ ये वीडियो को। पहला पार्ट जो होगा हम देखेंगे 3 BHK का सैंपल फ्लैट पूरा ये वीडियो में, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा 2 BHK का फ्लैट। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको 3 BHK का भी फ्लैट मिलता है। पहला जो साइज होगा आपका 3 BHK का वो है 928 स्क्वायर फीट का, और जो दूसरा साइज है बड़ा कार्पेट एरिया वो है 1052 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया मिलता है। व्यूअर्स, काफी बड़े कार्पेट एरिया मिलते हैं आपको ये प्रोजेक्ट में जांगिड इंद्रियानी, और जिसका पोजीशन डेट आपको बिल्डर प्रॉमिस कर रहे हैं वो है मार्च 24 में। प्रोजेक्ट जो है वो महारेरा से रजिस्टर्ड है, और हम यहाँ पे देखेंगे सैंपल फ्लैट इसका 3 BHK का। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस चलते हैं हम डायरेक्ट ये साइट पे और देखते हैं इनका सैंपल फ्लैट। सो व्यूअर्स, आगे हम साइट पे प्रोजेक्ट जांगिड इंद्रियानी के जो लोकेशन वो है सिल्वर पार्क में, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 माले का स्लैब पूरा कंप्लीट है। टोटल जो ये बिल्डिंग बनने वाली है आपकी 22 स्टोरी की बिल्डिंग रहेगी। साथ में आपको मिलता है किड्स प्ले एरिया, 4 लेवल का अलग से पार्किंग का स्पेस बना रहे हैं यहाँ पे बिल्डर। और व्यूअर्स, यहाँ पे हम देखेंगे पूरा वीडियो जो होगा 3 BHK का, मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। काफ़ी लग्जरियस साइज का सैंपल फ्लैट हम देखेंगे यहाँ पे। सो व्यूअर्स, आगे फ्लैट के बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1052 का कार्पेट एरिया का मैं 3 BHK दिखाने वाला हूँ। काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है, आप देखेंगे ये पूरे वीडियो में। सो व्यूअर्स, लिविंग एरिया का जो साइज़ आपको मिलता है वो 18.9 x 11.6 का मिलता है। साथ में इसके डाइनिंग एरिया भी अटैच है। लिविंग एरिया के साथ में आपको मिलता है डाइनिंग एरिया, साथ में बैल्कनी अटैच है यहाँ पे। काफ़ी स्पेशियस रूम्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे जांगिड इंद्रियानी में। 1052 का कार्पेट एरिया है, और आप देख रहे हैं डाइनिंग स्पेस 14.6 x 5.3 का मिलता है। ये इस वक्त पूरा लिविंग एरिया में है हम, और सैंपल फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ 3 BHK का। सैंपल फ्लैट से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कैसे अपना फर्नीचर्स वगैरह करें और स्पेस को कैसे यूटिलाइज करें। बिल्डर ये शो करते हैं सैंपल फ्लैट में। तो जैसा कि बोला मैंने आपको, लिविंग एरिया के साथ में ही आपको मिलता है बैल्कनी। लिविंग एरिया का जो बैल्कनी है आपका 2 से 2.5 फीट की बैल्कनी आपको मिलती है यहाँ पे, देख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस रूम हम देखेंगे। 1052 का कार्पेट एरिया, ये सबसे लग्जरी कार्पेट एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी तक का जो मीरा भाईंदर में बना हुआ है। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था मीरा रोड के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स के बड़े कार्पेट एरिया के, आपने देखे होंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरा वीडियो। और लेके चल रहा हूँ आपको मैं पहले मास्टर बेडरूम में। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। हर रूम्स में आपको AC मिलेगा, और जो मास्टर बेडरूम का साइज़ आपको मिलता है वो 10 x 13.3 का मिलता है। फ्लोरिंग आपको वीटीफाइड फ्लोरिंग मिलेगा यहाँ पे, आप जैसा देख सकते हैं, और साथ में ही इसके बैल्कनी अटैच है आपको यहाँ पे। और ये मैं पहला मास्टर बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
पहले मास्टर बेडरूम के साथ में आपको बैल्कनी अटैच मिलती है। ये बैल्कनी आपकी 3 से 3.5 फीट की बैल्कनी यहाँ पे आपको देख रहे हैं, और जो टाइल्स लगा हुआ है वुडन टाइल्स फॉर्मेट में लगा हुआ है। फ्लैट के अंदर आपको ब्यूटीफाइड फ्लोरिंग मिलेगा, देन आपको एसीस लगे रहेंगे रूम में। का मैं पहला मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मास्टर बेडरूम देखा और साथ में जो मास्टर टॉयलेट अटैच है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेस्टर्न स्टाइल में यहाँ पे पॉट मिलता है, देन आपका फुल टाइल्स किया हुआ है यहाँ पे। फिटिंग्स वगैरह जो लगी हुई है वो ब्रांडेड फिटिंग्स है। 7x4 का आपको पूरा ये टॉयलेट एरिया मिलता है, साथ में लॉफ्ट एरिया दिया हुआ है वाटर टैंक के लिए। फ्लश में आपको 24 आवर्स वाटर सप्लाई मिलेगा। देखा हमने मास्टर टॉयलेट मास्टर बेडरूम 1 का। तो अभी आप देखते रहिए पूरा वीडियो, आगे भी मैं डिस्क्रिप्शन बताऊँगा आपको। रूम्स आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस रूम्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो देखा हमने पहला मास्टर बेडरूम, और लेके चल रहा हूँ मैं आपको किचन में। फिर आगे हम किचन में आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपको कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन मिलेगा। देन आप देख रहे कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए सेम एज इट इज़ आपको मिलेगा। सो मॉड्यूलर किचन आपको पूरा मिलता है। 8x10 का ये साइज़ है किचन का। व्यूअर्स 8x10 का साइज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्पेशियस किचन है। आप आएंगे साइट पे तो आप खुद देखेंगे, आपको लगेगा ये काफ़ी स्पेशियस है। देन साथ में ही आपको ड्राई यार्ड भी मिलता है अटैच यहाँ पे किचन में। वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस अलग से मिलता है। डबल साइड प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, एक आपका मेन प्लेटफॉर्म देन एक सर्विस प्लेटफॉर्म रहेगा। और साथ में ही आपको मिलता है ड्राई बैल्कनी का एरिया यहाँ पे अलग से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 3.5 फीट की बैल्कनी आपको मिलती है ड्राई एरिया की। और ये आपको मैंने दिखाया कंप्लीट मॉड्यूलर किचन। 8x10 का साइज़ है आपका किचन का, काफ़ी स्पेशियस साइज़ है किचन का। बेडरूम्स के साइज़ काफ़ी अच्छे, लिविंग एरिया है। देन आपका ये पूरा एरिया जो है 1052 का कार्पेट एरिया मैंने दिखाया व्यूअर्स आपको यहाँ पे। तो लेके चल रहा हूँ आपको कॉमन बाथरूम में। कॉमन बाथरूम का भी जो साइज़ आपको मिलता है वो 7x4 का मिलता है, और वेस्टर्न पॉट लगा हुआ है, फुल टाइल्स किया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स देखा हमने कॉमन बाथरूम, और लेके चल रहा हूँ मैं आपको कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम जो है काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको देखेंगे यहाँ पे, और वार्डरोब का स्पेस आपको अलग से मिलता है यहाँ पे। और जो कॉमन बेडरूम का साइज़ है वो 10.6x15 का मिलता है, काफ़ी स्पेशियस साइज। 10.6x15 काफ़ी बड़ा साइज़ होता है बेडरूम के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। साथ में अलग से वार्डरोब का स्पेस मिलता है, किंग साइज़ बेड रखा हुआ है, देन साइड टेबल्स हैं, और यहाँ पे भी आपको एसी मिलता है। बिल्डर ने यहाँ पे सैम्पल फ्लैट बनाया है एक आइडिया देने के लिए आपको, कैसे आप यूटिलाइज़ करिए स्पेस को। और काफ़ी बड़ा बेडरूम आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका कॉमन बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ब्यूटीफाइड फ्लोरिंग के साथ में आपको मिलता है। देन आपका यहाँ पे भी आपको मिलता है फ्लावर बैल्कनी। ये बैल्कनी आपको काफ़ी स्पेशियस मिलती है, आपकी 4 से 4.5 फीट की बैल्कनी आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और जो व्यू होगा ये एमिनिटीज़ का व्यू होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमिनिटीज़ सेक्शन आपको आएगी। बेसमेंट लेवल पे पार्किंग दिया है, देन फर्स्ट फ्लोर पे भी 4 माले की पार्किंग बना रहे बिल्डर। टोटल एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1052 का स्पेशियस साइज़ दिखा रहा हूँ। वैसे जल्दी ही मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ अपने YouTube चैनल पे स्पेशियस साइज़ के, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। देखा हमने कॉमन बेडरूम, और लेके चल रहा हूँ आपको मैं दूसरे मास्टर बेडरूम में। तो व्यूअर्स आगे हम दूसरे मास्टर बेडरूम में, और ये पूरे फ्लैट का सबसे बड़ा बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। 14x11.6 का बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्डरोब का स्पेस आपको अलग से मिलता है। जो साइज़ मैं बता रहा हूँ वो वार्डरोब के अलावा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग साइज़ बेड रखा हुआ है, देन वार्डरोब मिलता है आपको साइड में, देन ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, एसीस लगे हुए रूम में, तीनों रूम में आपको एसीस मिलता है यहाँ पे बिल्डर की तरफ से। यहाँ पे भी आपको मिलता है फ्लावर बैल्कनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 3.5 फीट की बैल्कनी आपको अटैच मिलती है। काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है। बैल्कनी जो है वो मेंशन नहीं है कार्पेट एरिया में, वो अलग से रहेगा। 1052 आपके खाली फ्लैट का साइज़ है। तो काफ़ी स्पेशियस फ्लैट आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1052 का कार्पेट एरिया, और सबसे बड़ा बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 3BHK फ्लैट का। तो अभी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा ये प्रोजेक्ट का 2BHK का भी सैम्पल फ्लैट, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा। सो व्यूअर्स ये सेकेंड मास्टर बेडरूम है, और इस वक्त हमें मास्टर टॉयलेट में जो 7x5 का आपको मिलता है मास्टर टॉयलेट। बाकी सारे टॉयलेट जो है वो 7.4 के हैं, और ये आपको 7x5 का मिलता है टॉयलेट। काफ़ी स्पेशियस टॉयलेट है, और ये सबसे बड़ा बेडरूम हमने देखा यहाँ पे। सो टोटल 3BHK का फ्लैट है, 1052 का कार्पेट एरिया आपको मिलता है यहाँ पे।
सो व्यूअर्स, जल्दी ही मैं इसका 2BHK भी अपलोड करने वाला हूँ अपने YouTube चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अपने YouTube चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए, और प्राइसिंग की डिटेल आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने मेंशन की हुई है। सो व्यूअर्स, देखा हमने सैंपल फ्लैट 2BHK और 3BHK का, होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स, देखा हमने प्रोजेक्ट इंद्रयानी जांगिट कॉम्प्लेक्स के पास में बन रहा, काफ़ी प्राइम लोकेशन है, और यहाँ पे आपको मिलता है 2BHK और 3BHK के फ्लैट्स। व्यूअर्स, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है, और व्यूअर्स यहाँ पे आपको मिलता है सैंपल फ्लैट, दोनों आपको देखने मिलेंगे। आपको हमारे सेल्स पर्सन गाइड करेंगे पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट के बारे में। सो व्यूअर्स, ऐसे ही आप देखते रहे मेरे वीडियो को और कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। व्यूअर्स, देखा आपने सैंपल फ्लैट प्रोजेक्ट जांगिट इंद्रयानी का, और यहाँ पे आपने देखा पूरा 3BHK का सैंपल फ्लैट। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स, प्राइसिंग की डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और मैंने लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर तो डायरेक्टली आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा ये प्रॉपर्टी के डिटेल्स। सो व्यूअर्स, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ हर हफ्ते आपके यूट्यूब चैनल पे। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।